शिवलिंग पर ये 8 चीज़ें जरूर चढ़ाए सावन के महीने में, जरूर होगा मंगल ही मंगल। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से सिद्ध प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आँख, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनका इस्तेमाल सिर्फ पूजा में करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती है। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत ही होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। गेहूँ चढ़ाने से भी सुख मिलता है। जीवन में समृद्धि, संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। पीलर अरहर चढ़ाने से भी सफलता मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों से और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना की पूर्णि करते हैं। अब सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रहे शनि की बाधा खत्म होती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही हो, तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। भगवान शिव की पूजा का सुफल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यानी रुद्राक्ष जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है। प्रसाद रूप धारण करने से समय उसके साथ महादेव आशीर्वाद बना रहता है। गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की भी कृपा बढ़ जाती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाए बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी अवश्य करें। चावल का बहुत अच्छा संयोग शिव पुराण में लिखा जाता है। भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आमतौर पर शमी के पत्ते शनिदेव को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन यह पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएँ और इसके बाद शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएँ। शिवलिंग पर धतूरा को अधिकतर लोग चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पौधे के पत्ते भी पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं। यह पौधा जहरीला होता है पर औषधि के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके पत्ते चढ़ाने से सारे पाप नष्ट होते हैं और नकारात्मक सोच भी दूर होती है। काले तिल और सफ़ेद तिल, खास तौर पर जब काले तिल की आती है बात,
तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद रूप में वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल यही दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाए यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है, खास तौर से सावन के महीने में दूध के अंदर काले तिल चढ़ाने से सारी परेशानियां दूर होगी। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। शिव जी को तो शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।